हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर एक रोज़ फ्लावर है हमारा। ये फ्लावर कौन सी वैरायटी का है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स ये कलर दिख रहा है मुझे। तो जब फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स के ऊपर किसी भी पेस्ट का अटैक होता है, पेस्ट अटैक के होने के बाद जब हमारे जो प्लांट्स है वो फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे न्यू लीव्स डेवलप करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी मेरे रोजेज़ के ऊपर बहुत ही सुंदर ग्रोथ हो रही है। और ये जो ब्रांच देख रहे हो, ये एक बेजल शूट डेवलप हुई है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे, ये एक बेजल शूट डेवलप हुई है ग्रो होने के बाद। यानी कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट को लगा के भी मुझे आज एक महीना हो चुका है। एक महीने के अंदर अंदर फ्रेंड्स ये प्लांट ने बेजल शूट्स निकालना स्टार्ट कर लिया है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अभी। तो ये हिसाब से ग्रोथ अगर चलती रहेगी मेरे रोजेस पे, तो आगे चल के ये समर सीजन में अच्छे सर्वाइव कर लेंगे। और जो बीच में हमारी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, वो प्रॉब्लम्स को लेके थोड़ा सा टेंशन था, यानी कि जो फंगस की प्रॉब्लम थी उसको लेके थोड़ा सा टेंशन था। प्लांट बहुत सारे लीव्स गिरा रहा था, लेकिन बाद में जैसे ही उसने येलो लीव्स गिरा के उसने जितने भी डैमेज लीव्स थे वो सारे गिरा दिए, और उसकी जगह पे फ्रेंड्स प्लांट अभी सारे नए लीव्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि देख रहे हो, ये सारे नए लीव्स अभी प्लांट के ऊपर जनरेट हो रहे हैं। तो कुछ ये हिसाब से ग्रोथ अगर प्लांट पे होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी तो ये जो रोज है फ्रेंड्स, ये रोजेस से रिलेटेड मैंने अभी आपको अपडेट दिया है, और फुल्ली फ्लेज अभी रोजेस मेरे हो रहे हैं, और सारे लीव्स की कंडीशन भी अभी अच्छी है। तो जैसे कि देख रहे हैं, फ्लावरिंग्स अभी हो रहे हैं, लेकिन अभी जनरली ये गर्मियों की सीजन में मैं ज़्यादा फ्लावरिंग्स पे अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। मैं अभी अपने प्लांट की जो भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, यानी कि जो इसकी जो ब्रांचेस है, लीव्स है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और उसके लिए फ्रेंड्स हमें रूट्स पे काम करना होता है। अगर आपके प्लांट के रूट्स अच्छे होंगे तो बाद में ये प्लांट आपका पूरे समर्स बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर लेगा। तो प्लांट अगर रूट्स जितने ज़्यादा अभी अपने डेवलप करेगा, तो समर की जो तेज़ धूप है 40 डिग्रीज के ऊपर भी अगर टेम्परेचर जाएगा तो ये जो प्लांट है ये आराम से आपका सर्वाइव कर लेगा। इसीलिए ज़्यादा अभी फ्लावरिंग्स के पीछे कॉन्सेंट्रेशन मत दीजिए। जितना हो सके प्लांट के जो फोलियर ग्रोथ हो और जो रूट्स डेवलपमेंट हो, जो न्यू शूट्स डेवलप कर रहा हो, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। और उसके लिए सबसे पहली नीड होगी फ्रेंड्स रोजेस के लिए, वो है इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना। जैसे ही अभी गर्मियां मेरे यहाँ बढ़ चुकी है, 38 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है अभी, तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमें प्लांट की सॉइल की मॉइस्चर को मेंटेन करना होता है। तो प्लांट की ये जो सॉइल है उसको हमेशा मॉइस्ट रखिए। मॉइस्ट रखने की वजह से फ्रेंड्स आपके जो रोजेज है वो सर्वाइव कर पाएंगे, उसके रूट सिस्टम डेवलप होंगे। तो ये चीज़ आप देखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि फ्रेंड्स आप अपने रोजेज की सॉइल जैसे ही मॉइस्ट रखते हो, तो मॉइस्ट सॉइल के अंदर फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रूट रॉट क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करनी होगी। ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में हमें ट्राइकोडर्मा एवरी वीक 2 ग्राम जितना ट्राइकोडर्मा हमें अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करना है, लेकिन उसके सामने हमें केमिकल फंगीसाइड का एप्लीकेशन नहीं करना है। उसकी जगह पे फ्रेंड्स आप बायो फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हो। बायो फंगीसाइड से रिलेटेड मेरी एक वीडियो 1-2 दिन के अंदर बहुत ही जल्दी आएगी, वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर फंगस क्रिएट नहीं होगा। जो आपको रेगुलरली ये बायो फंगीसाइड अगर आप अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे करते रहोगे तो प्लांट सेफ रहेगा पूरे समर्स में। और सॉइल के अंदर आपको ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन हर हफ्ते एक बार कर लेना है, इससे प्लांट के रूट सिस्टम रॉट नहीं होंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज़ मैं आपको आगे भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो में बताई थी। तो कुछ ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप अपने प्लांट को अभी सेफ रखोगे तो बाद में आगे चल के आपके जो प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे ग्रो होंगे और आपका जो प्लांट है सर्वाइव कर पाएगा। तो ये कुछ मेरे कश्मीरी रोजेज है जो अभी मैंने आपको बताया। ये मेरा बटन रोज का प्लांट है, जैसे कि देख रहे हैं अभी इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर निकला था जो खत्म हो चुका है। बाकी ये प्लांट के ऊपर भी शूट्स तो आ रही है, लेकिन मैं ये प्लांट के लीव्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा समर स्नो मिनिएचर वेराइटी का रोज है, और इसके ऊपर भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। यहाँ पे जो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेबी सनरोज लगा दिए हैं। यहाँ पे हमारे सारे पेटूनियास थे, तो पेटूनियास की जगह पे फ्रेंड्स मैंने बेबी सनरोज लगा दिए हैं। और ये सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स मैंने सिंडर में लगाया है। सिंडर में मुझे अभी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को सिंडर में लगाया है। और ये जो प्लांट है इसको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फ्रेंड्स मैंने इसको सिंडर में लगाया है। सुबह एक टाइम में इसको पानी दे देता हूँ और बाकी के दिन फ्रेंड्स इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, और ये प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
ये हमारा मोगरा का प्लांट है, मोगरा से रिलेटेड, उसकी फर्टिलाइजर से रिलेटेड मेरी वीडियो अभी मौजूद है जो रिसेंटली मैंने बनाई है। तो ये प्लांट के ऊपर भी फ्लावरिंग्स की राह देख रहा हूँ, तो जैसे ही ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स आ जाएंगे तो मैं आपके साथ ये प्लांट भी बहुत ही जल्दी अपडेट करूंगा। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सारे कश्मीरी रोज है। कश्मीरी रोज की ग्रोथ देखिए, बहुत ही सुंदर हो रही है अभी। तो ये प्लांट भी फ्रेंड्स बीच में फंगस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा फंगस नहीं लगे थे, लेकिन अभी ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि देख रहे हैं इसके ऊपर न्यू शूट्स डेवलप हो रही है। यहाँ पे भी देखिए फ्लावरिंग्स हमारा कश्मीरी रोज पूरे भर के देगा, और ये समर सीजन में अगर आप इसके फ्लावर्स कट भी करते जाओगे ये प्लांट ब्लूम्स देते ही जाएगा। तो ये प्लांट पूरे समर्स में भी आपको ब्लूम्स देगा, मॉनसून में भी देगा और विंटर्स में भी देगा। तो ये प्लांट के ऊपर आपको रेगुलरली फ्लावर्स ट्रिम करते रहना है ताकि इसकी ग्रोथ बनी रहे। जैसे कि देख रहे हो बहुत सारी न्यू शूट्स डेवलप हो रही है। पीछे जो डैमेज रोज आप देख रहे हो, ये दो रोज मेरे डैमेज हो चुके थे, बंदर जब मेरे प्लांट के ऊपर अटैक किया था। ये भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1.5-2 महीने के पहले की बात है, जब बंदरों ने ये मेरे जो मिनियस है समर स्नो के प्लांट है इसके लीव्स टोटली डैमेज कर दिए थे, प्लांट को भी डैमेज कर दिया था। तो ये प्लांट अभी खत्म हो चुका है, उसकी जगह पे फ्रेंड्स मैं दूसरा प्लांट लगाऊंगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा वैलेंटाइन रोज है। वैलेंटाइन रोज के ऊपर भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। वैलेंटाइन रोज और जो हमारे कश्मीरी रोज है दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। कश्मीरी रोज फ्रेंड्स ग्राफ्टेड नहीं होता, ये सीधे सॉइल के अंदर से ही निकलता है। ये वन ऑफ द देसी रोज की वेराइटीज हम मानते हैं इसको। और ये जो वैलेंटाइन रोज है ये एक इंग्लिश रोज की वेराइटी हम मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ्टेड है, यानी कि ये जो प्लांट है ये प्लांट ग्राफ्टेड रहता है वैलेंटाइन रोज। और ये भी कुछ ये हिसाब से ही बंच में फ्लावरिंग्स देता है, बहुत सारे फ्लावर्स देता है। तो वो भी ये जो वैलेंटाइन रोज है फ्रेंड्स, वैलेंटाइन रोज भी समर सीजन में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आपको प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो ये तो कुछ रोजेस की बात हो गई, अब हम दूसरे प्लांट्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सारे मॉस रोज हैं। मॉस रोज अभी फ्लावरिंग्स पे आना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत फ्रेंड्स मॉस रोज में मुझे अभी फेस हो रही है, और वो दिक्कत है गिलेरियों की। गिलेरिया आके फ्रेंड्स मॉस रोज को खा जाती है। तो मेरे यहाँ जितनी भी ये लगभग 3-4 गिलेरिया है वो आके मॉस रोज को परेशान करती है। वैसे गिलेरियों के लिए फ्रेंड्स मैं पानी खाना वगैरह रखता हूँ, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम मुझे अभी फेस हो रही है। और ये हमारा बेबी सनरोज का प्लांट है। जैसे कि देख रहे हो ये प्लांट भी अभी बहुत ही सुंदर ग्रो हो रहा है, अभी तक फ्लावरिंग्स नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है गार्डनिंग में। कई बार बहुत लोगों के यहाँ फ्लावरिंग्स जल्दी आ जाती है और कई बार फ्लावरिंग्स ये प्लांट जल्दी स्टार्ट नहीं करता है, तो थोड़ा वेट और करना पड़ेगा मुझे। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा विंका है। जैसे कि देख रहे हो विंका कितना बुशी बन चुका है। विंका के ऊपर प्रूनिंग की मेरी वीडियो मौजूद है, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यही प्लांट था जिसके ऊपर हमने ट्रिमिंग की थी। ट्रिमिंग करने के बाद प्लांट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस डेवलप हो चुकी है और ये प्लांट बहुत ही ज्यादा बुशी बन चुका है। समर सीजन में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स देने वाले हैं हमारे गैलेडिया। जैसे कि देख रहे हो लास्ट हर संडे अपडेट की वीडियो में मैं आपको गैलेडिया अपडेट करके देता हूँ। तो इसके मैंने कुछ सीड्स भी कलेक्ट किए हैं और सीड्स मैंने लगा दिए हैं। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट इजीली सीड से भी ग्रो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इक्सोरा प्लांट है जो बड़े फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स हमने प्रूनिंग की थी और इसके रूट सिस्टम भी फ्रेंड्स हमने ट्रिम किए थे। तो ये जो प्लांट है रूट सिस्टम ट्रिम करने के बाद जितने भी इसके लीव्स थे वो सारे इसने गिरा दिए थे और अभी सारे नए लीव्स इसके डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि देख रहे हो ये सारे नए लीव्स इसके जनरेट हो रहे हैं। तो अभी ये प्लांट के पीछे मैं ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करता, जब तक ये प्लांट के सारे लीव्स जनरेट नहीं हो जाते उसके बाद हम फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्लावरिंग्स पे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर फ्लावर्स जनरेट हो रहा है, तो ये जो फ्लावर है ये फ्लावर को हम कट कर देंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फ्लावर अगर रहेगा तो बाद में लीव्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो अभी फ्लावरिंग्स हमें ये प्लांट के ऊपर नहीं लेने हैं। ये हमारा अलमंडा है, जैसे कि देख रहे हो कितना ज़्यादा बुशी बन चुका है अभी। ये जो अलमंडा के ऊपर अभी रिसेंटली फ्रेंड्स मेरी वीडियो मौजूद है कि इसको हम फर्टिलाइज कैसे कर सकते हैं और इसके ऊपर हम फ्लावरिंग्स कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सारे इंडोर प्लांट्स हैं। इसको अभी मैं कवर कर लूँगा फिर से ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगे। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वाइट कंटेनर रखे हैं। वाइट कंटेनर के अंदर हमारे ये मॉस रोज लगे हुए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे यहाँ गिलेरियों की बहुत ज़्यादा इश्यूज है, लेकिन फिर भी ऐसे इश्यूज के बीच में भी मेरे मॉस रोज अभी बहुत ही सुंदर अभी फ्लावरिंग्स पे आ चुके हैं। ये प्लांट को लगा के भी फ्रेंड्स मुझे 1 महीना हो चुका है और अभी ये जो प्लांट है ब्लूम्स देने की तैयारी कर रहे हैं।
हाइबिस्कस नॉर्मली फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे शूट्स निकल रहे हैं, फ्लावरिंग्स अभी उतनी ज़्यादा अभी मुझे नहीं दिख रही है, तो फ्लावरिंग्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये प्लांट के पीछे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी पेशेंस की ज़रूरत होगी। ज़्यादा हमें प्लांट को फ्लावरिंग्स के पीछे उसको उल्टे सीधे फर्टिलाइज़र नहीं देने हैं। जो फर्टिलाइज़र ये प्लांट को चाहिए वो फर्टिलाइज़र हमने ऑलरेडी ये प्लांट को प्रोवाइड कर लिए है, तो ज़्यादा फ्लावर्स लाने के पीछे फ्रेंड्स हमें ज़्यादा अगर हम इसको फर्टिलाइज करेंगे तो ये प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये अपनी ग्रोथ स्टॉप कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। प्लांट जब तक आपका ग्रो कर रहा है, प्लांट के ऊपर न्यू ब्रांचेस वगैरह डेवलप हो रही है, तो फ्लावरिंग्स बनने के भी चांसेस हो जाएंगे। थोड़ा सा और 15-20 दिन हम वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर ज़रूरत लगे तो बाद में हम दूसरे फ्लावरिंग बेस्ड फर्टिलाइज़र इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फ्लावरिंग्स की बात है फ्रेंड्स, हमारे जितने भी ये मैरीगोल्ड्स हैं, मैरीगोल्ड्स के ऊपर तो बहुत सारे फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, साथ में फ्रेंड्स हमारे लेंटेना के फ्लावर्स भी अभी जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हाइबिस्कस के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर हमारा डेवलप हुआ है, और ये जो हाइबिस्कस है इसके ऊपर बर्ड्स डेवलप हो चुके हैं, ये प्लांट भी बहुत ही जल्दी हमें फ्लावरिंग्स दे पाएगा। यहाँ पे पीछे जो है ये सारे हमारे टिकोमा के प्लांट है, टिकोमा के प्लांट के ऊपर भी अच्छी खासी फ्लावरिंग बर्ड्स अभी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि देख रहे हो, और प्लांट अभी धीरे धीरे फ्लावरिंग्स पे आ रहा है। ये एक समर सीजन का प्लांट है, तो समर सीजन में ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हो फ्रेंड्स, हमारे सारे मैरीगोल्ड्स अभी बहुत ही सुंदर अभी ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैरीगोल्ड्स के ऊपर अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, तो मैरीगोल्ड्स अभी आप आराम से सीड से भी लगा सकते हो। ये हमारा ऑरेंज हाइबिस्कस का प्लांट है, जो अभी इसके ऊपर भी अभी फ्लावरिंग्स थोड़े से रुक से गए हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग्स नहीं हो रहे, और ये जो प्लांट है इसके ऊपर एफिड्स हो चुके थे, तो मैंने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है, तो 2-3 बार फ्रेंड्स इसके ऊपर स्प्रे जाएगा तो सारे एफिड्स इसके ऊपर से चले जाएंगे और हमारा जो प्लांट है आगे चल के बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। और समर सीजन में फ्रेंड्स हमारे जो चित्रक के पौधे हैं वो भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएंगे, जैसे कि देख रहे हैं ये जो तीसरा पौधा है इसके ऊपर से भी बहुत सारे बर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स पे आ रहा है। हमारा जो इग्जोरा है, वाइट कलर के इग्जोरा जैसे कि देख रहे हैं, इसके ऊपर भी अभी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। कोलियस फ्रेंड्स हमेशा की तरह हमारे बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोलियस को। मैंने इसको सेमी शेड लोकेशन में रख लिया है जहाँ पे सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी आती है और फिल्टर होके आती है, तो इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, मैंने 4 ग्रोबैग्स के अंदर मिट्टी भर के रखी है, तो सीड्स ग्रो करने की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसे समर प्लांट्स के समर फ्लावर सीड्स है जो मैं अभी लगाऊंगा, तो इसकी वीडियो आएगी लगभग 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी कि मैं सीड्स कौन से लगा रहा हूँ, और धीरे धीरे फ्रेंड्स ये सीड्स का अपडेट मैं आपको संडे अपडेट की वीडियो में देता रहूंगा। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा गार्डेनिया का प्लांट है, गार्डेनिया के प्लांट के ऊपर भी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी हो रही है, नो डाउट ये प्लांट मुझे ग्रोथ बहुत ही अच्छी दे रहा है, लेकिन अभी भी फ्लावरिंग्स नहीं निकल रहे हैं, तो फ्लावरिंग्स के पीछे मेहनत चल रही है मेरी अभी, तो थोड़ा सा इसमें भी पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो बस ज़्यादा फ्रेंड्स, अगर हम फ्लावरिंग्स लाने के पीछे अगर हम फर्टिलाइज़र प्लांट को ज़्यादा करते हैं, तो प्लांट फ्लावरिंग्स देने की जगह पे वो प्लांट आपका डैमेज हो सकता है, तो प्लांट को डैमेज नहीं करना है। अगर प्लांट जब तक ज़िंदा रहेगा तो कभी ना कभी ये आपको फ्लावरिंग्स ज़रूर देगा, तो बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे हमारे क्रिसेंथेमम्स के सकर्स अभी डेवलप हो चुके हैं। ये जो गमला देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत ही टाइनी टाइनी सकर्स थे जब मैंने ये प्लांट को कट किया था, अभी जैसे कि देख रहे हैं इसके सकर्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। ये प्लांट के भी सकर्स देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट के भी सकर्स डेवलप हो चुके हैं, तो क्रिसेंथेमम्स के अभी सकर्स को लंबा होने दीजिए। मॉनसून की सीजन में इसके सकर्स को हमें बस थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और बाद में उसकी कटिंग से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लांट्स हैं मेरे जो मैंने अभी आपके साथ अपडेट किया है। ये समर सीजन में फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स मुझे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी भी फ्रेंड्स आप कुछ ऐसे प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हो, जैसे कि मॉस रोज हुए, पर्सुलेन हुए, बेबी सन रोज हुए, उसकी कटिंग्स आराम से लग सकती है। अभी उतना भी गर्म टेम्परेचर नहीं हुआ है, और सीड्स भी आप लगा सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स मैं सीड्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग ग्लोरी और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स भी लगाने वाला हूँ, तो वो सीड्स अभी आप आराम से लगा के जर्मिनेट उसको कर सकते हैं। और गलेडिया जैसे प्लांट के भी सीड्स आप लगा सकते हो, और जितनी क्वांटिटी में हो सके उतनी फ्लावरिंग्स आप उसके ऊपर से ले सकते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ फ्रेंड्स ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।